हेलो नमस्ते, जय महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू व्लॉग में। तो आज है होली स्पेशल और हमारे व्लॉग बहुत टाइम से नहीं आ रहे हैं, थोड़े हम ठंडे पड़े हुए हैं। तो आज होली है तो आज हम जाने वाले हैं अरावली हिल रिसोर्ट, वहाँ पे स्विमिंग पूल है तो हम बच्चा नहाएंगे, फोटोशूट करेंगे, मस्त घूमेंगे। तो ये पहली होली खेल के आ चुका है इसकी गर्लफ्रेंड के साथ में। गर्लफ्रेंड के साथ फ्रेंड, मतलब दोस्त मिल गए थे रास्ते में, तो उनके साथ खेल के आया हूँ मैं होली वगैरह। हाँ, तो ये इसकी होली खेल के आ चुका है, अब हमारे कपड़े गंदे करेगा तो गाड़ी ये चलाएगा। तो अभी मैं हूँ, विनायक है, गौतम है, एक गाड़ी ये है, एक फ्रेंड और आ रहा है, तो आ जाता है कि फटाफट निकलते हैं और फटाफट वहाँ चलते हैं। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि गर्मी बहुत है तो नहाने में बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों फिलहाल उसको फ्रेंड को आने में टाइम लग रहा है, तो अभी हम हमारे घर के अंदर है और धर्मेश एक नया फ़ोन ले रहा है, उसकी वजह से देखो कैसे लाया है अभी, तो 15,000 रुपये के फोन का मोबाइल ले रहा था ये, तो ओप्पो रेनो 2Z ले रहा है ये 256 GB। तो बस दोस्तों मास्क वास्क पहन लेते हैं, मयंक भी आ चुका है, हम सब तैयार हो चुके हैं, बस फटाफट हम निकलते हैं। पहले ही बहुत लेट हो गए हैं, 10 बजे जाने का था, 1 बज गई है, फटाफट निकलो। तो हम रास्ते में आ चुके हैं, बस थोड़ी ही दूर हो रहे हैं, 0.5 किलोमीटर। तो धर्मेश्वर ये जो है वो रुक चुके हैं पीछे, शायद अपनी गाड़ी में तेल खत्म हो चुका होगा क्योंकि तो पेट्रोल पंप बंद था और चाय को आप जानते हो बहुत ही बड़ा मंगता है वो। कहीं देखो तेल खत्म, मुझे पेट्रोल पंप तो बंद होने है, तो बजे तो 2 बजे रोका रहे हो। चलो 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 चलो, तो पहले हम राजगीर जाने वाले थे और वो बुक था, तो अब हम अरावलिया है, पर शायद अरावली में भी कार इतनी बड़ी हुई है कि शायद ये बुक हो। स्विमिंग पूल तो खाली है पर देखते हैं क्या है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हमारी शूट लोकेशन पर, जहां हम करेंगे आज पूल पार्टी और होली सेलिब्रेट। तो मेरा इंटरेस्ट अरावली हिल रिसोर्ट, अंदर से आपको बताऊंगा अरावली हिल रिसोर्ट कैसा है, इसका स्विमिंग पूल कैसा है। तो अभी चलते हैं, एक बार ओनर से बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी शादी का कोई फंक्शन वगैरह और हो रहा है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो टेंट वगैरह लगे हुए हैं सारे। तो ये रहा हमारा पूल, जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, इसी में आज हम आप होली सेलिब्रेट करेंगे और नहाएंगे और सारा फोटोशूट्स वगैरह हम इस यहीं पर करेंगे। जैसा कि हम ड्रेसें वगैरह लाए हैं तो ड्रेसें वगैरह पहन के हम इस पानी के अंदर ही फोटोशूट करेंगे और फिर उसके बाद नहाने जाएंगे। क्या हो गया? तो यहाँ पे जाने नहाने के लिए एक बार हम टिकट लेके आए थे, जो भी इनका चार्जेस वगैरह है, पूल चार्ज, जो भी इनका पूल चार्ज कंप्लीट करके फिर हम यहाँ पे आज का होली स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ओके, तो देखते जाइए, वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। तो दोस्तों हो चुका है हमारा 200 रुपये में, 1.5 घंटा है, तो फटाफट उसी के अंदर आपको फोटोशूट जो भी करना आपको सब कर लो 1.5 घंटे में, मतलब थोड़ा महंगा है होली की वजह से उन्होंने रेट थोड़ी बढ़ा दी है। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए ड्रेस चेंज कर लेते हैं, फटाफट नहाते हैं, पूल आपने देख लिया है। तो दोस्तों हम हो चुके हैं रेडी, पहले हम फोटोशूट करवाने वाले हैं थोड़ा फॉर्मल ड्रेस में पानी के अंदर जाके फोटोशूट करवाएंगे, 1.5 घंटा है तो पहले फटाफट फोटोशूट कर लेते हैं, उसके बाद नहाएंगे। बाकी मयंक जो है ये तो पहले ही नहा रहा है क्योंकि इसके फोटो खींचने नहीं है, विनायक के जो बाद में खींचेंगे। फटाफट चल रहे गौतम, निकाल ले कैमरा, हमारे कैमरामैन तो एक फिक्स है, वही फोटो खींचेंगे। तो दोस्तों ये रहा स्विमिंग पूल और हम कर रहे हैं अभी फोटोशूट, साथ ही साथ हम नहाते भी रहेंगे। तो नीचे मेरी पैंट, फॉर्मल पैंट पूरी गीली हो चुकी है और ऊपर मेरा सूखा सूखा शर्ट, तो एक बार कैमरा वो रहा, फोटोशूट वगैरह हम कर लेते हैं, उसके बाद ये सारा फोटो ये हमारे इंस्टाग्राम है तो इस पर आप चेक हमारे फोटोज वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो उसके ऊपर क्या क्या फोटोशूट हमने किए। तो फोटोशूट करने के बाद आप आपको मिलता है। तो ये इसकी पैंट खुल चुकी है, तो ये अभी पैंट इसकी सही कर रहा, इसकी फिटिंग आ नहीं रही है पूरी प्रॉपर। प्रॉपर सारा फोटोशूट हो रहा है। तो दोस्तों ठंड बहुत है और पूरे कपड़े की 12 बज रही है, 2-4 फोटो खींच लेते फटाफट, टाइम नहीं है। तो दोस्तों शर्ट मेरा मनीष ने ले लिया है फोटोशूट के लिए, तो मैं अब जा रहा हूँ पूल के अंदर नहाने के लिए। तो 1 2
तो दोस्तों बहुत ही आनंद आ रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी के बाद नहाने में बहुत आनंद आ रहा है। काले पड़ जाएंगे पर नहाएंगे जरूर। अब बस ये लास्ट छोटे चाय का, उसके बाद अपन नहाएंगे। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं मच्छी डाइव चैलेंज। तो हम जा रहे हैं मच्छी डाइव चैलेंज। तो कौन पानी के अंदर ज्यादा देर रहके वो सामने तक निकलता है, तो तीनों जाके और ये धर्मेश सबसे आगे चलता हुआ। धर्मेश जी की स्विमिंग अच्छी है। मेरा तो सिर नीचे भड़का गया यार, अच्छा लग रहा है, एकदम गरम गरम माहौल है, वहां एकदम बेकार का। Saturday night in the summer, sundown and they all come out. Lamborghinis and the red Hummers, the party throws. तो दोस्तों हमारा नाना हो चुका है, पार्टी वगैरह पूरी हो गई है। हालांकि हमने टाइम से पहले ही हमने नहा लिया धो लिया और हमारे शूट्स वगैरह हमने सारे कर लिए। तो मनीष को भी ठंड लग रही है, हालांकि मेरे को भी ठंड लग रही है क्योंकि अब खुला एरिया ना इसलिए, और पानी बहुत ही ठंडा था और अभी तक कपड़े पूरे गीले हैं। तो अभी इनको मेरे को चेंज भी करना है, तो क्या पता सर्दी हो जाएगी तो और घर पर मम्मी डांटेंगी। तो लोग कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ वगैरह। और अभी के लिए आप सभी को हैप्पी होली। देन चलते हैं अब हो चुका है हमारा, ठंड बहुत लग रही है मेरे को। तो मैं तो मच्छी डाइव मारी, मेरा माता भड़का गया था, फिर बाद में नहाने की इच्छा नहीं खत्म हो गई। डेढ़ घंटा था हमारे पास, तो हमने एक घंटा ही नहाए बस। हमें लगा कि एक घंटा हमें शूट्स वगैरह में लगेंगे, फोटोज वगैरह में, तो पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हमको फोटो खींचने थे पर हमने नहीं खींचे, वही हम पानी में घुसे। चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे। और आप भी आना चाहते हो अरावली में तो एड्रेस आपको गूगल मैप पे मिल जाएगा। मस्त माहौल है यहाँ पे, अभी तो थोड़े फ्रेंड्स कम थे, ज्यादा होता तो फिर वो ज्यादा मजा आता। और अभी यहाँ पे भीड़ काफी बढ़ रही है, धीरे धीरे मेंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा टाइम से पहले ही फ्री हो गया तो बहुत अच्छा रहा। देन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको। और ये ब्लॉग में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, शेयर करना प्लीज़। और अब से ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे, थोड़ा चल रहे थे शूटिंग्स वगैरह। ओके थैंक यू।